आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों शाह फैजल की। शाह फैजल की बात करें तो आईएएस टॉपर, पहले कश्मीरी जिन्होंने आईएएस को टॉप किया 2009 में, ठीक है, 2009 बैच के आईएएस टॉपर, और काफी पढ़े लिखे, काफी इंटेलेक्चुअल, पहले डॉक्टर थे, फिर आईएएस टॉप किया और अब पॉलिटिक्स में आ गए। बट अभी आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ तो ये जेल में, जेल में मतलब इनको डिटेंशन में रखा गया है और अब इनका डिटेंशन 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो मैंने सोचा कि आपको शाह फैजल के बारे में जानना चाहिए। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, हो सकता है बहुत लोगों को ये बायोग्राफी, इस तरीके की बायोग्राफी ना पसंद आए, लेकिन मेरा काम है कि आपको व्यूज बताना, आपको लोगों के बारे में बताना जो लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं। मैंने 800 से ज्यादा बायोग्राफीज कवर की हैं, जिसमें कम से कम 200 या 150 लेक्चर्स जो हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन 150-200 जो लेक्चर्स हैं वो पॉलिटिक्स पे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स पे हैं, जिसमें बीजेपी के लीडर्स नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बहुत सारे, समित पात्रा, ठीक है, ये सब शामिल हैं, कांग्रेस के भी लीडर्स हैं और भी लीडर्स हैं। तो मेरा ये काम है कि आपके लिए बायोग्राफीज लेके आऊं, आपको बताऊं, इनके व्यूज बताऊं, इन्होंने जो स्ट्रगल किया है, इनकी जो कहानी रही है वो बताऊं, ठीक है, स्पेशली वो लोग जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो शाह फैजल की हम बात करेंगे, कमेंट बॉक्स में थोड़ा संयम बरतिएगा, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। शाह फैजल आईएएस टॉप किया तो आईएएस की टिप्स लेंगे। देखिए, अगर इनके बारे में बात करूं मैं, तो मैंने इनका पहला इंटरव्यू देखा था 5 साल पहले, दूरदर्शन पे देखा था, मतलब यूट्यूब पे ही देखा था, डीडी पे, बट डीडी ने लिया था वो, हालांकि वो 9 साल पुराना इंटरव्यू है ना, लेकिन मैंने वो 5 साल पहले देखा था। और तब इन्होंने आईएएस टॉप किया था, 2009 की बात है, 2009 में इनका इंटरव्यू हुआ था, इन्होंने आईएएस टॉप किया था, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, है ना, बहुत कुछ चीजें बताई, किस तरीके से ये काम करेंगे और अपने प्लान्स बताए। उस समय मनमोहन सिंह जी से भी मिले थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह ने भी इनसे मुलाकात की थी, बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, शाह फैजल बताते हैं। उसके बाद फिर मैंने पिछले साल इनके इंटरव्यूज बहुत ज्यादा देखे, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आईएएस थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, ठीक है। तो ये जो हुआ है, ये 10 साल की जो इनकी जर्नी है, हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल अभी मैं जो देख रहा हूं, पहले इनका स्टांस जो है वो अलग हुआ करता था और अभी इनका स्टांस जो है वो अलग है, ठीक है, तो हम उस पर भी बात करेंगे, कश्मीर की क्या समस्याएं हैं उस पर बात करेंगे, और शाह फैजल क्या सोल्यूशन बताते हैं और इन्होंने आईएएस क्यों छोड़ा उस पर बात करेंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने आईएएस निकाला कैसे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इनफैक्ट जो भी एस्पायरेंट है उनको सुनना चाहिए। 8 महीने में शाह फैजल ने आईएएस टॉप किया था, तो वो हम जरूर देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरंस को रीकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चेकी पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायंफ, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। सॉरी, फ्रेम शिफ्ट हो गया है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, मैंने कश्मीर की बात कर रहे हैं हम और कश्मीर का इतिहास मैंने पूरा कवर किया है, 1846 से लेकर 2020 तक पूरा का पूरा इतिहास दोस्तों, 15 लेक्चर्स हैं, मैंने माइक्रो कोर्स बनाया है इस ऐप में, कश्मीर का इतिहास पूरा कवर्ड है, आप जरूर देखिएगा। वैसे आपको स्टडी आईक्यू मतलब चैनल पे भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें मैंने कश्मीर की बात की है। उसके बाद मैं ट्विटर पे आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। तो एक द हिंदू का आर्टिकल है, हुई शाह फैजल, हालांकि ये पुराना आर्टिकल है, ठीक है, जब इन्होंने आईएएस छोड़ा था तब की बात है ना। तो हम बात करेंगे शाह फैजल की, इनका जन्म 1983 में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में इनका जन्म हुआ है, सोगाम एरिया जो कि एलओसी से बिल्कुल लगता है, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल लगता हुआ एरिया है इनका, जहां पे इनका जन्म हुआ था। अब इनका जो पूरा परिवार है वो टीचिंग लाइन में है ना, इनके पिताजी जो थे वो टीचर थे, 2002 में जब ये 19 साल के थे तो इनके पिताजी को मार दिया था, 2002 में इनके पिताजी को मिलिटेंट्स ने मार दिया था, है ना, और सिर्फ उस समय 19 साल के थे, है ना। तो एक तरीके से शाह फैजल ने भी ये जो मिलिटेंसी है ये देखी है, ये जो वॉयलेंस है ये देखा, और शाह फैजल अपने इंटरव्यू में ये बात बताते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि मैंने एक इनका एबीपी न्यूज पे इंटरव्यू देखा था पिछले साल, तो उसमें शाह फैजल ने एक बात बताई थी, है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया था कि मैं एक भारतीय हूं, हर कश्मीरी से ये पूछा जाता है कि क्या आप इंडियन है, आप अपने आप को इंडियन मानते हैं, तो शाह फैजल ने जवाब दिया था, तो उनके वर्ड्स है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, ये सवाल बहुत ही ज्यादा गलत है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि हम इंडियंस हैं, हम सब इंडियंस हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सब भारत के अंदर ही आता है, ये कोई डाउट ही नहीं है, हम संविधान को मानते हैं, हम भारत को मानते हैं, हम भारत का पार्ट है। लेकिन अगर आप किसी से ये बात बोलेंगे कि आप इंडियन है, किसी कश्मीरी से ये बात बोलेंगे, तो फिर वो ऑफेंड होगा, फिर उसके मन में डाउट क्रिएट होगा, तो ये सवाल ही गलत है, ठीक है ना। ये सवाल फारूक अब्दुल्ला से भी पूछा था,
एक इंटरव्यू मैंने फारूक अब्दुल्ला की बायोग्राफी रिव्यू की थी, तो वो इंटरव्यू अवेलेबल है दोस्तों यूट्यूब पे। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, जो कि आज तक के बहुत बड़े एंकर थे, अब तो नहीं है, इस्तीफा दे दिया, अपना यूट्यूब चैनल उनका है, बहुत बढ़िया रिव्यू करते हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने भी पूछा था तो बहुत ज्यादा भड़क गए थे फारूक अब्दुल्ला, बहुत गुस्सा गए थे कि आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, है ना। तो शाह फैजल गुस्साए तो नहीं, आईएएस है, बहुत ही शांति से उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। तो इनके पिताजी गुलाम रसूल शाह, इनकी 2002 में मिलिटेंट्स ने हत्या कर दी, और उसके बाद इनकी जो पूरी पूरा परिवार है वो टीचिंग लाइन में ही है। अब दोस्तों शाह फैजल बताते हैं कि हम एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां हम वायलेंस देख रहे थे, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी 1987 के बाद से। दोस्तों 1987 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद कश्मीर में मिलिटेंसी अपने पीक पे गई 1991, फिर हमारी आर्म फोर्सेस ने एक एक की बैंड बजा दी, ठीक है। उसके बाद फिर मिलिटेंसी घटी, लेकिन ये कम नहीं हुई। बहुत सारे जो मिलिटेंट थे वो नॉन वायलेंट हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे थे। तो हम ये देख रहे हैं कि मिलिटेंसी ऑन एंड ऑफ चलती ही रही, पाकिस्तान तो इधर सप्लाई कर ही रहा था ना जो भी मिलिटेंट, और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी कश्मीर में। अब इसमें कश्मीर के लोग पिस रहे थे, कश्मीर का जो युवा था, आज भी कश्मीर में आपको बहुत सारे युवा मिलेंगे, है ना, जो यूथ है 18-19 साल का। शाह फैजल बताते हैं जब वो यूथ जो है ये वायलेंस देख रहा है ना, तो उसके मन में बहुत खराब असर पड़ता है, उसको बेसिकली पढ़ना चाहिए, डेमोक्रेटिक मीन्स लेने चाहिए, बट वो उसके पास अवेलेबल नहीं है। डेमोक्रेसी को एक तरीके से कश्मीरियों ने छोड़ दिया है, कहने का मतलब क्या है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पे शाह फैजल बताते हैं कि जो 70 साल की पॉलिटिक्स रही है हमारी, है ना, यहां पे लोगों ने इलेक्शन में पार्ट लिया, अब जो लीडर्स हैं उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ काम किया नहीं ज्यादा, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा है। जब भी आप इलेक्शन होते ज्यादा लोग पार्टी नहीं करते हैं, पार्ट नहीं लेते हैं। तो शाह फैजल बताते हैं मेरी यही रहेगी, मेरी सबसे बड़ी यहाँ पे जो काम है वो ये रहेगा कि लोगों को इलेक्शन के लिए जागरूक किया जाए। इलेक्शन इज द वे, इसी से ही हम जब चुन के आएंगे तभी किसी भी एरिया को डेवलप कर सकते हैं, तो लोगों को इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे शाह फैजल की। फिर हम ये देखते हैं कि शाह फैजल ने बताया कि अब जहां पे तो वायलेंस है वो बताते हैं, तो मुझे कोई ऐसा मीन्स चाहिए था जिससे लोग मेरी बात सुने और मैं लोगों की सेवा कर सकूं। शाह फैजल बार बार ह्यूमैनिटी का, हालांकि इन पे कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई है, अभी हम इनकी कंट्रोवर्सी पे भी नजर डालेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होगी, ठीक है। तो शाह फैजल ने बोला, मतलब अगर आप इनके इंटरव्यू देखेंगे तो ये बार बार बोलते हैं ह्यूमैनिटी, ठीक है, मैं उस रास्ते पे बिलीव करता हूं जो शांति की तरफ जाता हो, समझ रहे हैं। तो शांति के लिए लोगों की कैसे सेवा कर सके, इन्होंने डॉक्टरी चुनी, डॉक्टर हुए, ये एमबीबीएस किया इन्होंने कश्मीर से, इन्होंने एमबीबीएस किया कश्मीर से, इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई की है। ये बताते हैं जब इनसे पूछा गया कि आपने आईएएस निकाला और आईएएस निकालने के लिए आप दिल्ली नहीं गए, आपने कश्मीर से ही पढ़ाई की, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, हम कश्मीरी हैं तो हम यहाँ पे 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर, लेकिन दिल्ली का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, तो हम लोग के लिए मुश्किल होती है ना। तो सारी पढ़ाई मैंने कश्मीर से ही की, समझ रहे हैं। इनकी मास्टर डिग्री है, उर्दू में भी इन्होंने मास्टरी की, और यही इनका ऑप्शनल था, ठीक है। इनके ऑप्शनल की बात करें तो पहले दो ऑप्शनल होते थे, तो पवैड और उर्दू लिटरेचर, ये इनका ऑप्शनल था। अब दोस्तों क्या हुआ कि आईएएस कहां से इन्होंने निकाला, डॉक्टर थे ये, ठीक है, वेल नोन डॉक्टर थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। फिर इन्होंने ये सोचा कि बहुत हो गया, यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, मुझे एक बार उसको देना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं इतने लोगों में कहां स्टैंड करता हूं, कितना कंपटीशन है। 8 महीने थे सिर्फ और सिर्फ 8 महीने, आगे पीछे इनको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इन्होंने यूपीएससी का सिलेबस देखा। 8 महीने इन्होंने कहीं नहीं गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताते हैं, बिना कोचिंग के भी आईएएस निकाला जा सकता है। आप विश्वास करेंगे, ये आईएएस टॉपर है, इन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, इन्होंने यूपीएससी के लिए, मैं ये यूपीएससी के लिए बता रहा हूं, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, जो आईएएस निकालना चाहते हैं, इन्होंने कोचिंग ही नहीं ली कहीं पे भी, कुछ भी नहीं, विदाउट कोचिंग इन्होंने 8 महीने पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की, और इन्होंने आईएएस निकाला 8 महीने में। 2009 के ये आईएएस टॉपर बने, पहले कश्मीरी थे जो आईएएस टॉपर बने। 1994 में हम ये देखते हैं कि एक कश्मीरी आईएएस हुआ था, उसके बाद ये है जिन्होंने आईएएस को टॉप किया, फोर्थ मुस्लिम आफ्टर इंडिपेंडेंस टू टॉप सिविल सर्विस एग्जाम, समझ रहे हैं। अब ये कश्मीरियों के लिए बहुत गर्व की बात और इनके लिए भी बहुत गर्व की बात, ठीक है। तो शाह फैजल बेसिकली सिस्टम में आए, और शाह फैजल ये बताते हैं, जब इनसे बार बार पूछा जाता है अब आपने आईएएस क्यों छोड़ा, तो शाह फैजल ये बोलते हैं कि मैंने नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी कि नौकरी में कुछ खोट थी। आईएएस बताते हैं कि यूपीएससी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, और मुझे गर्व है कि मैंने आईएएस निकाला, मुझे गर्व है कि मैंने यूपीएससी किया, मुझे गर्व है, सेवा दी है मैंने, तो मैंने सर्व किया है। आईएएस बहुत ही प्रोफेशनल है, मुझे आईएएस से कोई, मेरा बहुत अच्छा करियर था, बहुत मुझे रिकॉग्निशन मिला, मैं बहुत खुश हूं,
लेकिन फिर मुझे लगा कि अब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों की वॉइस नहीं है वहां पे, पॉलिटिक्स अपने हिसाब से होती है, लोग मेरे पास आते हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग थी, अब क्योंकि टॉपर थे तो कैडर जो है आप जानते ही हैं वो फिर मंचा कैडर मिल ही जाता है, तो कश्मीर इनको कैडर मिला, वहीं पे ये कलेक्टर हुए, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर हुए, और उसके बाद इन्होंने रोड काफी डेवलपमेंट किया, रोड का डेवलपमेंट। अब उस समय इनका स्टांस जो है वो थोड़ा सा अलग था, पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं थे, तो उस समय मनमोहन सिंह भी इनसे मिले थे, और वो जो समय था दोस्तों कश्मीर के लिए अच्छा था भी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो एरा था ना, और शाह फैसल खुद बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नेंस थी वो कमाल थी दोस्तों, ये तो बात बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीर में नॉर्मलाइजेशन का काम शुरू किया था, कारगिल वॉर के बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे जो कश्मीर गए थे, और तब हुर्रियत और इधर जो कश्मीरी है, जो हुर्रियत है और जो पॉलिटिकल लीडर्स है और दिल्ली के बीच में बातचीत होने लगी, और एक हल निकाला जाने लगा कि कैसे कश्मीर के इशू को सॉल्व किया जाए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने लगा, एलओसी को खोल दिया गया। लेकिन फिर दोस्तों वही पाकिस्तान को कभी, वहां की जो पॉलिटिक्स है ना और आर्मी वो बिल्कुल दो अलग दिशाओं में काम करती है, फिर 26/11 हो गया और उसके बाद वो सब बंद हो गया, समझ रहे हैं, तो ये चीज है। तो अब यहां पे उस समय इन्होंने आईएएस निकाला, देखिए 2009 में कंडीशन बहुत खराब थी क्योंकि 26/11 अटैक हो गया, तो उसके एक साल बाद इन्होंने आईएएस निकाला, ठीक है, मतलब इन्होंने टॉप किया। हालांकि मनमोहन सिंह ने इनको बहुत ब्लेसिंग दी कि आप जो मतलब जो आइडियाज हैं हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे और कश्मीर के इशू को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग ली और फिर ये कश्मीर में पोस्ट हुए, पोस्टेड थे। वहां पे भी इनका कॉन्ट्रोवर्सी दोस्तों काफी रही है ना, उस दौरान भी कई बार कुछ ऐसा पोस्ट कर देते थे, जब आप सर्विस में रहते तो आप बोल नहीं पाते, ठीक है, आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो आपको शांत तो रहना पड़ता है, आप अपने व्यू प्रकट नहीं कर पाते, ठीक है, तो कभी कभी कुछ ऐसा ट्विटर पे कुछ ट्वीट कर देते थे या कुछ डिफरेंसेस हो जाते थे जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि 2014 के बाद से दोस्तों जब मोदी सरकार आई उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, फिर आपको पता है बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ जिसकी वजह से और ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई जम्मू कश्मीर में, फिर हम देखते हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली इन्होंने सोचा कि अब सही वक्त आ गया है कि मैं इस्तीफा दे दूं, तो 2019 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया, फेसबुक पे इन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस किया। हालांकि रेजिग्नेशन जो है वो आईएएस ऑफिसर्स का एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, सरकार इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, और इस दौरान दोस्तों ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर रहे थे, फेलो थे ये, हार्वर्डी थे, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, शुरू में तो इनका पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था, ठीक है, लेकिन यहां पे इनके पास दो ऑप्शन थे। शाह फैजल बताते हैं कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहां के लोग जो है वो परेशान हो चुके थे यहाँ के पॉलिटिक्स के, पॉलिटिक्स से यहाँ के परेशान हो चुके थे, लीडर जो है वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे थे, और मुझे ऑफर था जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस से, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जेकेएनसी से मुझे ऑफर था, उमर अब्दुल्ला ने मुझे ऑफर दिया था, मैं चाहता तो आराम से, क्योंकि आईएएस टॉपर था, जाहिर सी बात है इतना इंटेलेक्चुअल इंसान हर कोई इनको लेना चाहेगा, मैं उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लूं। अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन लोगों का इतना तगड़ा सपोर्ट था कि आप पार्टी बनाइए हम आपके साथ हैं, जो युवा थे इनके पास आते थे कि आप पार्टी बनाइए, आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए बात करिए, तो इन्होंने एक मिडिल पाथ देने की कोशिश की, एक मिडिल वे देने की कोशिश की, समझ रहे हैं। और ये बताते हैं कि हिंसा से तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमको बातचीत से ही मसला जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक बातचीत नहीं होगी। यहां पे ये मेन इशू बताते हैं, देखिए कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। प्रॉब्लम्स है वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो लीडर्स है वहां पे करप्शन है, बिल्कुल वंशवाद है ना, शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के साथ भी वही चीज आप देख रहे हैं, वंशवाद बहुत ज्यादा वहां की पॉलिटिक्स में। रियल जो वहां पे जो लोग रहते हैं कश्मीर के वो तो आगे आते ही नहीं है, असली प्रॉब्लम किसको पता होगी जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, जमीनी स्तर पे तो वही है ना, उनको आगे आना चाहिए, बट वो आते नहीं आगे, समझ रहे हैं। और ऊपर से डिस्ट्रप्शन, बार बार डिस्ट्रप्शन हो जाता है, कभी कुछ हो गया तो फिर कश्मीर बंद हो गया, कभी कुछ कभी भारत और पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है, तो इधर कभी किसी को मार दिया आर्म्ड फोर्सेस ने, तब यहाँ पे रायट्स हो जाते हैं, पत्थर, ये स्टोन पेल्टिंग हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, तो इन सब को खत्म करना पड़ेगा। और इसका एक ही रास्ता है कि हम अमन चैन लेके आए कश्मीर में, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इलेक्शन लड़े जाए, लीडर्स जो हैं, लीडर्स को लोग फॉलो करते हैं, और लीडर्स ही जो हैं वो किसी भी स्टेट को बनाते हैं, और लीडर्स कैसे पैदा होते हैं, थ्रू पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स ही एकमात्र जरिया है कि हम कश्मीर में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बातचीत करनी पड़ेगी,
हमको बातचीत करनी पड़ेगी। जब शाह फैजल ने शुरू में इस्तीफा दिया तो इन्होंने बोला था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब इनसे पूछा था कि एक तरीके से इनको देखा जा रहा था कि ये ब्रिज है, है ना, ये सेंटर और कश्मीर के बीच में ब्रिज है, पुल का काम कर रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज थी, ये सब इन्होंने सारे इश्यूज बताए, ये प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा तो लोगों को इलेक्शन में पार्ट लेना पड़ेगा, जब इलेक्शन हो तो लोग पार्ट ले, जम के वोटिंग करें ताकि सही नुमाइंदे जीते। बताते शाह फैजल की गलती हुई है, पॉलिटिकल लीडर से गलती हुई है, लेकिन वो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमको वो चीज नहीं करनी है। तो इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, कुछ ही टाइम बाद इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। शुरू में तो एस सच इनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने पार्टी बना ली, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नाम से। अब जब इन्होंने पार्टी बनाई तो कश्मीर की ही जो पार्टियां थी उन्होंने भी अटैक किया। हाँ, बहुत सारे कश्मीर के जो लीडर्स थे उन्होंने इन पे अटैक किया, अटैक इन द सेंस की कोई मारा पीटा नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये इनकी पार्टी आ गई है और ये भी पब्लिसिटी है और ऊपर से हमारे वोट कट जाएंगे। तो शाह फैजल को लगा कि चलो ठीक है ना, अगर इनको ऐसा लग रहा है तो अभी हम इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, हम अगले साल इलेक्शन में पार्ट लेंगे, ठीक है। तो इस बार का इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा था। लेकिन फिर दोस्तों अगस्त आ गया। अब अगस्त, 5 अगस्त को क्या हुआ, 2019 को आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया, ठीक है, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, समझ रहे हैं। अब उसके बाद से एक एक करके पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया गया, जिसमें शाह फैजल भी साहब शामिल थे, ठीक है। पहले तो इनको श्रीनगर में रखा गया, उसके बाद इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन किया गया, और अभी 13 मई को इनकी जो डिटेंशन है वो 3 महीने और ज्यादा बढ़ा दी गई, समझ रहे हैं। आर्टिकल 370 के लिए बोलते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो एक ब्रिज है, अगर आर्टिकल 370 आप हटा देंगे तो बहुत कश्मीरियों के लिए बहुत खतरनाक होगा, है ना। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल मानना है ये कि आर्टिकल 370 को बहुत पहले ही हट जाना चाहिए था, और आर्टिकल 370, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ही अच्छा किया सरकार ने, ठीक है, वो आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया, ठीक है। ये बहुत ही, मतलब ये कश्मीर के डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ी बाधा थी, है ना। तो इनका ये मानना था, इनके व्यूज थे कि आर्टिकल 370 को, मतलब ये ब्रिज है, ठीक है, हर किसी के व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी के व्यूज होते हैं, तो आर्टिकल 370 एक ब्रिज है, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया, है ना, और उसके बाद से शाह फैजल और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, जेल में किसी को जेल में डाला, किसी को हाउस अरेस्ट किया, तो ये चीज। और अभी तक इनको रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। अब इस पे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे चिंता जताई है कि अभी तक जो है यहाँ पे इंटरनेट बंद है, कुछ भी होता है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो इंटरनेट बंद है तो वहां पे पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार का ये बोलना है कि अगर हम अभी लॉकडाउन, मतलब जो कर्फ्यू है वो हटा देंगे, लॉकडाउन बोल रहा हूँ, सॉरी, कर्फ्यू अगर हमने हटा दिया, ठीक है, हालांकि अब धीमे धीमे जम्मू एंड कश्मीर में चीजें नॉर्मल हो रही है, लेकिन अगर हमने कर्फ्यू हटा दिया तो वहां पे फिर दंगे हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेम्पररी, फॉर द टेम्पररी पीरियड हमने ये कर्फ्यू लगाया है ताकि इन द लॉन्ग रन हमको इसका फायदा मिले, ये सरकार का कहना है। लेकिन फिर बाकी लोगों का ये कहना, कोर्ट का ये कहना है कि इंटरनेट तो बेसिक राइट है ना, और यहाँ पे इस दौरान राइट्स जो है वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। तो ये खैर दो अलग अलग व्यूज है, दोनों व्यूज आपको पता होने चाहिए। अब जब इन्होंने आईएएस से इस्तीफा दिया तो हर कोई चौंक गया कि आईएएस की नौकरी ही लोग, और ये खुद भी बोलते हैं कि देखिए आईएएस अगर आपको बनना है तो आप पैसे के लिए, क्योंकि आईएएस की सैलरी बहुत कम है ना, यहाँ पे आपको बहुत पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ लगता है कि आप बदल देंगे तब आप आइए, अगर आपको लगता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकते हैं तब आप आइए। पैशन था आईएएस, ये बताते हैं, आईएएस मेरा पैशन बन गया था, है ना। और सबसे बड़ी बात, हाँ, ये आप लेक्चर से सबसे कुछ और ले ना लें, लेकिन ये चीज आप जरूर लेक्चर से लीजिएगा, इन्होंने कश्मीर में ही रह के पढ़ाई की है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर कोचिंग की जरूरत है, या क्या पढ़ाई हो सकती है जहां पे हम हैं, है ना, दिल्ली जाना जरूरी है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, आपके सामने एक एग्जांपल है, शाह फैजल ने 8 महीने पढ़ के घर पे ही पढ़ के आईएएस को टॉप किया, ठीक है। तो कहीं पे भी आप आईएएस के लिए पढ़ सकते हैं, बस मटेरियल्स होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, है ना, किताबें मटेरियल्स होने चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि अब हो सकता है द हिंदू कहीं ना आता हो तो आप उसको ऑनलाइन पढ़ सके, ठीक है। तो मटेरियल्स अगर आपके पास है, और मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम, ठीक है, बिल्कुल जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है, तो बिल्कुल आप भी आईएएस टॉप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, समझ गए। तो ये चीज है। तो यहां पे अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो शाह फैजल ये बताते हैं कि हमको पॉलिटिकली सॉल्व करनी पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद बातचीत से
हम जो है कश्मीर के इशू को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब कश्मीर के इशू को सॉल्व करने का कुछ रह नहीं गया, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, जैसा कि आपको पता ही है, 370 खत्म कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब हम थोड़ी इनकी कॉन्ट्रोवर्सी की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने इमरान खान को बोल दिया कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इस पे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। इमरान खान को इन्होंने बोल दिया कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने डी एस्केलेशन किया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपना रोल मॉडल बताते हैं ये। अरविंद केजरीवाल पे तो नहीं, लेकिन इमरान खान पे इन पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। फिर इनका एक ट्वीट आया था दोस्तों, इन्होंने पूरा एक मतलब काफी चीजों को मिला के इज इक्वल टू रेपिस्तान लिख दिया था, ठीक है, तो उसपे भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। तो ये कुछ कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो शाह फैजल के साथ रही है, समझ रहे हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।